कि फूस की आग बुझे जल से और ये जलमा ही लगे तो बुझे कहो कैसी कि छानी गिरे से डटे ये आसुमा गिरे तो डटे कहो लेकिन कहा मेरो वियोग पिया से मिटे और ये पिया को वियोग मिटे कहो अरे और लिखी तो सब ही मिटे या विधि की लिखी मिटे कहो ये जीव जब गर्भ के अंदर होता है उस परमपिता परमात्मा से ये वायदा करता है ए प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालिए मैं धरती पर जाते ही आपका नाम रटूंगा मैं धरती पर जाते ही आपका भजन करूंगा तो परमात्मा कहता है कि हे मूर्ख इंसान इस गर्भ में तो न जाने तू मुझसे कितने वादों को करता है जैसे ही इस गर्भ से बाहर निकला तो देख तू करेगा क्या और परमात्मा इस मूर्ख इंसान को बार बार समझा रहा है और बार बार चेतावनी दे रहा है दादाजी और कैसे भैया क्या और या काम क्रोध मद लोभ मोह में परमात्मा कहता है देख तू करेगा क्या और या काम क्रोध मद लोभ मोह में और तू फंस जाएगा क्या या काम क्रोध मद लोभ मोह में और तू फंस जाएगा और देखिए शाम का समय होने के लिए जा रहा है एक बार निवेदन करूंगी एक बार अपनी जिब्बा को पवित्र करते हुए प्रेम से सभी जोरदार जयकारा लगाएं बोलिए बांके बिहारी लाल की कछुन ने हाथ उठाए लें कछुन ने ना उठाए कहते हैं जो जितना ऊपर हाथ उठाता है ना वो उतना ही जल्दी ऊपर जाता है ए, तुम तो गलत सोच के दिखे हंस रहे मैं तरक्की का कह रही हूँ देखिये जिसको प्रभु ने सुंदर सुंदर दो हाथी है अपने दोनों हाथों उठा करके जैसे कि हमारे ब्रज में जयकारा लगाया जाता है उस प्रकार से जयकारा लगाएंगे बोल गिरिराज महाराज की और कहा क्या और या काम क्रोध मद लोभ मोह में और तू फंस जाएगा लेकिन अरे ओ हो बाब रे पीछे पछताए भैया कहा क्या और या काम क्रोध मद लोभ मोह में देखिए पहली बार आपके क्षेत्र में गाने का मौका मिला और निवेदन करूंगी कि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा सकूं ये मेरी कोशिश रहेगी कि मेरी बात आप लोगों तक पहुंचे लेकिन हाथरस के अंदर बहुत अच्छे अच्छे दिग्गज गायक रहे लेकिन यहाँ की एक मशहूर बात यह है कि जब कोई भी गाना शुरू होता है तो उससे पहले फिल्मी धुन गाई जाती है तो देखिए मुंबई वाले कह रहे हैं भैया मोनू क्या मुंबई वाले कह रहे हैं पर मुंबई वाले ने तो छोड़ो अब देखो हरियाणा वाले का कह रहे हैं भैया क्या अरे फिचमा सूट पहन के चाली कह रहे हरियाणा वाले अरे फिचमा सूट पहन के चाली के करवावे
देखो जाडिया प्रोग्राम है रोजा गोली फोली को तो कोई काम ही ना। भैया कहा परमात्मा चेतावनी दे रहा है, कह रहा है और काम क्रोध मत लोभ मोह में, काम क्रोध मत लोभ मोह में तू फंस जाएगा। देखे अरे ओ हो बाप रे पीछे पछताए। और कहा कैसे आपने कराया होगा, कहा भैया शुभ कर्मों की बंदे क्या कहा और एक से एक रुपए का पुरस्कार अवनीश प्रधान जी दे रहे हैं हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा भैया शुभ कर्मों की बंदे, शुभ कर्मों की बंदे कर ले कमाई। निवेदन करूंगी ध्यान से सुने, कहा अरे शुभ कर्मों की बंदे, शुभ कर्मों की ले बंदे कर ले कमाई। और अरे संग में बाबा तेरे, संग में चाचा तेरे, संग में ताऊ तेरे जावेगी भलाई। संग में ओए 501 रुपए का आशीर्वाद हरी शर्मा जी दे रहे हैं हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार निवेदन करूंगी शर्मा जी के लिए, जोरदार तालियां बजाएं आप सब। कहा अरे संग में बाबा तेरे जावे की फलाई। और कहा अरे जैसा कर्म करेगा वैसा, कहा क्या अरे जैसा कर्म करेगा वैसा फल तू पाएगा। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी कह रहे कर्म प्रधान विश्व रचना खा, जो जस करही सो तस फल। भैया कहा अरे जैसा कर्म करेगा वैसा फल तू पाएगा। लेकिन अरे ओ हो बाप रे पीछे पछताएगा, ओ हो बाप रे पीछे पछताएगा। क्या बात है, क्योंकि कथाएं सारी वही हैं, प्रसंग सारे वही हैं, केवल कहने वाले के ढंग गाने वाले की गायकी अलग अलग हुआ करती है। और आप जैसे विद्वानों ने कह दिया है संगीत वो शक्ति है हर स्वर में बसे ही राम, रागी गर सुनाए राग नी तो रोगी को मिले आराम। बात उस समय की है रानी द्रौपदी गंगा जी के घाट पर जल लेने के लिए जाती है। रानी द्रौपदी ने गंगा जी के घाट पर एक दृश्य देखा, एक नजारा देखा। रानी द्रौपदी ने देखा गंगा जी के घाट पर एक व्यक्ति चिता बना करके बैठा है। भैया जी विद्वानों ने लिखा जल के हेत चली पांचाली, जरा दे कहा जल के हेत चली पांचाली, जानी गागर शीश उठाइए, अरे गावत गीत मलहार कामनी बा गंगा तट पे आइए। कि देखो दृश्य किनारे जाएगी, देखो दृश्य किनारे जाएगी, जब ऊंचे स्वर चिल्लावे अरे भैया क्यों प्राण गवावे। रानी द्रौपदी ने देखा कि व्यक्ति चिता बना करके बैठा है, इस अग्नि में जल करके अपने प्राणों को दे देगा। जब इस दृश्य को रानी द्रौपदी देख रही है तो दादाजी होता क्या भैया, कहा कैसे। कहा एरे ले देखो दृश्य और दंग भई मन में, और द्रौपदी
और ले बैठो पीर बैठो पीर चिता के अंदर अग्नि रयो लगाई है बैठो पीर और कहा अरे गागर छोड़ चली रे उसी व्यक्ति के पास में जा रही है कहा अरे गागर छोड़ चली पांचाली पास पुरुष के आई है हरी कहे नानू को अपनी क्यों रे देह जलाई है कथा समझ में आ रही है कि ना आ रही है आ रही है तो देखो एक बात मऊ ध्यान आ रही है क्योंकि जब हम कहूं प्रोग्राम करवे जाए तो सबसे ज्यादा संख्या हमें एक चीज की मिले तुमके तो बता दो सुनो तो कहा अरे बूढ़े बड़े बाप दादे और ये 51 रुपए का पुरस्कार हेलो भैया रसिया दमदार होनी चाहिए कम से कम जनता एक एक घुट घुट पर आ रही है जाए और धुआंधार रसिया होनी चाहिए साहब चटकीले साहब रसिया ही होंगे साहब रसिया ही गाय भी आए सब भैया कहा क्या बूढ़े बड़े बाप दादे और देखो अगर बात सत्य लगे तो ताली जरूर बजेंगे कहा अरे बूढ़े बड़े बाप दादे और घर भूखे प्यास से जी रहे हैं कमेटी वालों अरे बूढ़े बड़े बाप दादे और घर भूखे प्यास से जी रहे हैं अरे उनके बेटा चौराहे पे खुल की पौआ बताओ सही बात है गलत है लेकिन कहा भैया अरे कौतिक तूने बहुत किए हैं कहा अरे कौतिक तूने बहुत किए हैं अपनी भरी जवानी में भैया अरे कौतिक तूने बहुत किए हैं अपनी भरी जवानी में और अरे चेता तो फिर कब चेता जब भैंस चली और देखो आजकल हमारे समाज में दादाजी भगत्यानी नहीं संख्या बहुत बढ़ गई भगत्यानी बहुत है गई और देखो आजकल की भगत्यानी भैया घर घर में है गई भगतानी अच्छा भगतानी वहां बैठी है इशारों कर रहे पलंग बैठी है कहा हे घर घर में है गई भगतानी और जितना मालाए रोज फिर आए रही है सास ससुर को देखे गारी अब चक चूरम आए देख कैसे खुश है रे कभी भगत ना पर रे देखो आज के भगत भैया मोनू भैया आज के भगत कैसे अरे मोहो मेरा मुपेट मेरा के जी हो मुझे पता है अब तो दस दस के ही रह गए होंगे क्योंकि रास रास है तो हमारे रसिया जी और रामवीर भैया ले गए हमारे कात तो दस दस के ही रह गए हाँ कहा पर देखो छोरी जाटन की है छोकरे न की ढूंढ रही पे उदाय मचा देगी हाँ कहा भैया अरे मोह मेरा मुपे टमे के जी और जितना राम ही रामा
मैं तो पड़ोसी के द्वार पे पड्डू नहीं छोड़ी। आज को भगत हुए जी, अरे मोह मेरा पेट में कैची राम ही राम गाय रहे। अरे ऐसे भगत, ऐसे भगत अब बिन माऊ का इशारो कर रहे, बिन की तो कट गई अपनी समारो। भैया मोह मेरा पेट में कैची जी राम ही राम गाय रहे। और देखो कैसे ऐसे बावन माऊ इशारो कर रहे, लेकिन मैं कह रही हूँ, अरे ऐसे भगत नरक में भैया बिना टिकट के। और सुनिए, और भगत कैसे भैया, अरे कथा भागवत में सोमत है कहूं, कथा है रही हो भागवत है रही हो तो तुम्हें गिने चुने ही भगत मिलेंगे जो वास्तव में भगत हैं। और कछु से तो घरते आती है कि चले जाए मन चार घंटा कम से कम बढ़िया तो कट जाएंगे। और तू नौटंकी है रही हो कि सपना आ रही हो, फिर देखो जन बच्चा ते भागेंगे सब जिन कलियुग का प्रभाव है और कछु ना है। भैया कहा अरे कथा भागवत में सोमत है और क्यों मूर्ख मत को मारो। और अरे जो कहूं आ जाए स्वांग नौटंकी तू बन जाए गाम नवारो। फिर तो यू के गो अपनी भैया ते ना सुन नहीं का जे पूरा गांव में डर के मार चले गली में कुत्ता ना निकरन देंगे। और अरे बहन भांजी जो कहूं आ जाए क्या, बहन भांजी जो कहूं आ जाए और तू देखत पर जाए कारो। और भागे दौड़े भागे दौड़े भागे दौड़े धरे करहिया जो कहूं आ जाए सारो। अरे भागे दौड़े उसी व्यक्ति के पास में पहुंच गई, जाकर के कहने लगी कि पास पुरुष के पहुंची वाला, पास पुरुष के पहुंची वाला बोली ऐसी बानी है, अरे ऐसो कहा कसूर भयो जो देह त्यागन की थानिए कि कौन गाम कहा नाम तुम्हारो। कहा है मरने वाले कौन गाम कहा नाम तुम्हारो और तू क्यों ना मोय बतावे। अरे भैया क्यों प्राण गवावे। आज रानी द्रौपदी उस व्यक्ति को समझा रही, अरे पापी अरे नीच तुझे शर्म नहीं आती, तू इस अग्नि में जल करके अपने प्राणों को दे रहा है। तो देखिए रानी द्रौपदी उस व्यक्ति से कह क्या रही है। और भैया कैसे कहा, अरे अरे कैसे, अरे अरे कैसे और बैठो है और चिता में तू आसन मार। भैया अरे अरे कैसे और बैठो है चिता में तू आसन मार बाब रे। अरे बाब रे ऐसो कहा बन हुआ तो ते बने गयो रे बाबरे। रानी द्रौपदी कह रही है अरे अरे कैसे बैठो है तो हाथ धोए तुम्हारे पीछे पड़ गए। कहा अरे अरे कैसे बैठो है हम कैसे बैठो है भैया कैसे बैठो है
बाब रे ऐसो कहा बनुआ तो मोनू भैया कह रही है रानी द्रौपदी क्या वो पैसा दे रहा वो भाज को क्या हाँ जान दे कहा ओहो बार परदेसी भैया कह रही है रानी द्रौपदी अरे ओहो बार परदेसी हम बार परदेसी ऐसी कहा अनीति है गई संग में और कह रही है तुम मरना चाहते हो तो एक बार अपने घर की तरफ देखो क्या अरे अरे तेरी रोवेगी भैया अरे तेरी रोवेगी हमें तेरी रोवेगी मेरे भैया तेरी रोवेगी बटुआ से मोह की बाहर तो आ जब इतने वचनों को उस व्यक्ति ने सुना तो देखिए वो कहे क्या रहा है भैया अरे एरी कहा देगी मोई सहारो कह रहा है अरे एरी कहा देगी तुम मोई सहारो और मोते रूठो बंसी बारो और क्या करें जब अपने बदल गए
भैया हाय गैरों से गिला क्या करे जब अपने बदल गए, गैरों से गिला क्या करे जब अपने बदल गए हाय। और शीशे तो वही है मगर कहा शीशे तो वही है मगर ये शीशे तो वही है मगर ये चेहरे बदल गए, शीशे तो वही है मगर। और कहा हाँ वीडियो बन रही है जाम तो बढ़िया दिख जाओ ऐसे बैठे आखन के कैंप माइक बैठ के हो। हाँ कहा अरे मैं भी वही हूँ और मेरी क्या अरे मैं भी वही हूँ और मेरी चाहत भी है वही। भैया कहा अरे मैं भी वही हूँ और मेरी चाहत भी है वही पर लेकिन तेरी नजर के नजर के हाँ हाये लेकिन तेरी नजर के लेकिन तेरी नजर के इशारे बदल गए लेकिन तेरी नजर वही हूँ और मेरी भैया हाय मैं भी वही हूँ और मेरी चाहत भी है वही पर लेकिन तेरी नजर के नजर के हाय लेकिन तेरी नजर के सारे बदल गए।